भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए पथराव के विरोध में शाहजहांपुर बस स्टैंड पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया है। वहीं इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष सम्मानी अम्बाराम कराड़ा एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित भी रहे हैं। बनर्जी की सरकार जिस ढंग से आतंक का पर्याय बन रही है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी पर उनके काफिले पर भी पथराव करने का काम किया, और ये एक घटना नहीं, बार बार इस प्रकार की घटनाएं वो वहाँ पर उत्पन्न करके वहाँ आतंक बचाने का काम कर रही, लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रही। पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है ममता की सरकार को उखाड़ फेंकने का, इसलिए वो बौखलाई हुई और घबराई हुई है। वो नरेंद्र मोदी जी का जो यशपूर्ण नेतृत्व देश के अंदर आज चारों तरफ जो खड़ा हुआ है, उसके कारण से उसके मन में एक भय का वातावरण खड़ा हो गया है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। ममता बनर्जी की धरती वहाँ खसक रही है, टीएमसी वहाँ से समाप्त होने जा रही है, और इसलिए बौखलाहट के अंदर ये जो कृत्य उसने किया है, हम उसकी निंदा करते हैं, और उसी निंदा की कड़ी में आज हमने उनका पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। यह कार्यक्रम आज पूरे जिले के अंदर सभी मंडलों के अंदर 15 ही मंडलों के अंदर आयोजित हुआ है, और इसी समय पे सभी स्थानों पर पुतला दहन के कार्यक्रम इस समय में आयोजित किए गए हैं। हम ममता बनर्जी के इस प्रकार के काले कारनामों की निंदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। शाहजहांपुर से दिलीप स्वराष्ट्र की रिपोर्ट।